हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मसालेदार फिश करी। तो चलिए बना लेते हैं फिश करी। इसके लिए मैंने 1 केजी फिश लिया हुआ है, उसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे और उसमें हल्दी पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक डालकर उसे अच्छे से कोट कर लेंगे। एक एक करके सभी को अच्छे से कोट कर लेंगे। अब इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तब तक इधर मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें हम 2 बड़ी चम्मच राई लेंगे, सरसों के दाने, और 1 मुट्ठी लहसुन। लहसुन थोड़ा ज़्यादा लेंगे इसमें। 2 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, और अब इन सब का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लें क्योंकि सरसों पीसने में पानी ज़्यादा लगता है। ये देखिए, इस तरह से मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। सभी को अच्छे से निकाल लेंगे। दो छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच जीरा और गोल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच लाल मिर्च लिया है मैंने। इन सब को भी इसमें डाल करके मिक्स कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि सारा मसाला आपस में अच्छे से फूल जाएगा। नमक हम बाद में डालेंगे। अब चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। तो मछली हमारा रेडी है, अब फ्राई कर लेते हैं। पैन को हम बहुत अच्छे से हीट कर लेंगे और उसमें तेल डालेंगे 2 से 4 बड़ी चम्मच। अब एक एक करके सारे फिश डालेंगे और इन सबको फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखें, फिश तभी डालें जब आपका तेल अच्छे से हीट हो। हीट होने से ही आपका फिश अच्छे से तलेगा। अगर आप कम हीट में डालेंगे तो आपको फिश तलने में बहुत दिक्कत होगी। तो इस बात का ख्याल रखें कि जब भी फिश तलना हो तो तेल को अच्छे से गर्म करेंगे और उसके बाद दोनों साइड से इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैं पहले ऊपर का हिस्सा, मछली का सिर वाला पार्ट पहले फ्राई करती हूँ। ज़्यादा देर तलना पड़ता है इसे। इसे थोड़ा अच्छे से तलना पड़ता है। इसी तरह से पलट पलट के हम सभी को फ्राई कर लेंगे। और अब इन सबको निकाल लेंगे। किनारों में लगा के थोड़ा सा तेल गरने देंगे और एक एक कर सभी को निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से सेम प्रोसेस से बचे हुए भी सभी मछली को हम तल लेंगे। नीचे से ऊपर उलटते हुए किनारों में लगा के सभी का तेल निकाल लेंगे। उसके बाद हम प्लेट में निकालते जाएंगे। सभी मछली मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब तेल पर्याप्त है कढ़ाई में इसकी करी बनाने के लिए, तो अब एक्स्ट्रा तेल हम इसमें नहीं लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मेथी के दाने, 2 लाल मिर्च, उसे तोड़ कर डालेंगे और मेथी को लाल होने देंगे। इससे मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा करी में। अब इन सारे मसालों को जो मैंने मिक्स किया था वो सब अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसमें इन सबको एक साथ डाल देंगे।
थोड़ा सा बर्तन में पानी डालकर जो बचे हुए मसाले हैं उसमें वो भी डाल देंगे, जिससे मसाला हमारा वेस्ट नहीं होगा। अब इन सबको अच्छे से मिला लें। याद रखें, मछली का जो मसाला होता है उन्हें हमें बहुत अच्छे से भूनना होता है। इसको जितना भूनेंगे उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा, करी उतनी ही अच्छी बनेगी, मसाला फिश करी आपकी उतनी ही टेस्टी बनेगी। 10 से 15 मिनट तक इन्हें अच्छे से भूनें। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पर डाल रहे हैं। अब इन सबको मिला करके अच्छे से चला लें। मसालों को हमें तब तक भूनना है जब तक इनसे तेल ना निकलने लगे। देखिए, मसालों से तेल निकल रहा है। मसाला हमारा लगभग भुन गया है। इसे एक बार और चला लेंगे, थोड़ा और अच्छे से भुनें। मसाला पूरी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से ही डालें, आपको रस पतला चाहिए या गाढ़ा। पहले तो थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हम मिलाएंगे, जिससे कि सारा मसाला अच्छे से घुल जाए। मसाला घुल गया है तो रस बहुत गाढ़ा लग रहा है, तो इसको हम पतला करेंगे। इसके लिए पानी अभी और ऐड करना है। 1.5 से 2 ग्लास पानी हम डालेंगे इसमें। रस अभी भी गाढ़ा लग रहा है तो 1/2 ग्लास और पानी ऐड करेंगे इसमें। मछली जब ठंडी होगी तो उसके बाद भी रस गाढ़ा होगा, इसलिए थोड़ा पतली रसी रखें। घोल में उबाल आ जाएगा तब हम एक एक करके सारे फ्राइड फिश इसमें डालेंगे। घोल में उबाल आ गया है, अच्छे से उबाल आने देंगे, फिर इसमें हम सारे पीसेस डाल देंगे। रस में उबाल आ गया है, अब इन सब में सभी मछली को हम डाल देंगे। मछली जब भी बनाएं तो उन्हें खुले में बनाएं, कभी भी ढककर ना बनाएं। इससे क्या होगा कि आपका पीस जो है मछली का वो टूटेगा नहीं, वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। कभी भी मछली ढककर नहीं बनाएं। अब इसे 5 से 10 मिनट तक उबलने दें, इससे मछली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, ग्रेवी भी आपकी बहुत अच्छी बनेगी और मछली में सारे मसाले मिल जाएंगे। अब इसमें धनिया की पत्ती डाल दें और गैस को बंद कर दें। मछली बनकर रेडी है। और आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।